subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. जी टीवी की बेहतरीन कहानी कुंडली भाग्य की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कैसे पुलिस वाला भी सरलिन के हाथों बिक चुका है, जहां पर सरलिन माहिरा से बात करती है और वो उसे बताती है कि पुलिस वाले को पैसे देकर मैंने खरीद लिया है। जहां माहिरा ये बात सुनती है तो वो खुश होती है और अब आपको बता दें कि करण ये सारी बातें पीछे छुप कर सुन लेगा, जहां वो पुलिस स्टेशन जाएगा और पुलिस वाले के ऊपर चढ़ जाएगा क्योंकि करण के हाथ सबूत लग जाएगा और वो भी सरलिन के फ़ोन से, जहां पर करण दिखाएगा कि ये रहे सबूत और मेरी रीता को आप रिहा कर दो। जहां पर करण गुस्से में होगा और पुलिस वाला कहेगा कि मैं रिहा नहीं कर सकता हूं प्रीता को किसी भी हालत में, तो अब करण इसी चीज़ को लेकर गुस्से में होगा और वो पुलिस वाले के ऊपर चढ़कर गुस्सा करेगा। जहां पुलिस वाले करण को पकड़कर पीछे हटाते हुए नजर आएंगे, ऐसा हम नहीं बल्कि लीडिंग वेबसाइट से आ रही खबर के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप कहानी के अंदर और भी काफ़ी सारे टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ नज़ारा सरलिन देखकर काफ़ी खुश होगी, क्योंकि सरलिन को ये सब कुछ देखकर पता है कि अगर करण प्रीता को रिहा नहीं करवा पाया तो वो अपने आप को अपनी नज़रों में माफ़ नहीं कर पाएगा और सरलिन अपनी चाल चलती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, कुंडली भाग्य की तमाम हर छोटी से बड़ी अपडेट को लेकर आप सभी फैंस के बीच एक बार फिर हाजिर होंगे हम, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.